मैं ये 9 सवाल अब गिनूंगा, दोहराऊंगा और यही मांग करूंगा कि ये 9 सवालों पर प्रधानमंत्री अपनी चुप्पी तोड़े। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित है। हम लोग सब जानते हैं कि हमारी देश पीड़ित है महंगाई से, बढ़ती हुई बेरोजगारी से, नोटबंदी से, पहला नोटबंदी, दूसरा नोटबंदी, गलत तरीके से जीएसटी लागू होने के बाद जो एमएसएमई खत्म, और इसका पूरा पर हमें देखने को मिल रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ती हैं, आर्थिक विषमताएं बढ़ती, क्यों है प्रधानमंत्री देश में बेरोजगारी आसमान छू रही है, क्यों अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब हो रहे हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को आप क्यों मित्रों को बेच रहे हैं, आर्थिक विषमताओं क्यों बढ़ रही है। तो यह पहला सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है और खास तौर से बढ़ती हुई आर्थिक विषमताओं के संबंध में है। दूसरा सवाल कृषि और किसान से संबंधित है, कृषि और किसान से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि पिछले 9 सालों में भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई है, ये उनका वादा था, ये वादा अभी तक पूरा नहीं हो पाया। 3 काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय किसान संगठनों के साथ हुए समझौतों को अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया है, एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई है, इस पर बहुत लंबी चर्चा हुई है। पहले किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई, संसद में भी इस पर बहस हुई, ये काले कानून पारित हुए, उसके बाद मजबूरी से प्रधानमंत्री ने इसको वापस लेना पड़ा। तब के समय कुछ बातचीत हुई किसान संगठनों के साथ और आज भी रद्द करते वक्त जो वादे किए गए थे, जो गारंटी दिए थे, आज तक वो पूरे नहीं हुए हैं। तीसरा सवाल प्रधानमंत्री से, ये हम लोग ये तीसरा सवाल पिछले 3-4 महीने से हम कर रहे हैं, खास तौर से मित्रवादी पूंजीवाद का मिसाल जो हमें देखने को मिल रहा है, रोज कुछ ना कुछ मोनानी कहानी जो हमें उसको अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, कई माध्यमों से हमें जानकारी मिलती रहती है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI में जमा जनता के खून पसीनों की कमाई को दांव पर लगाया गया, दिया गया है। भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री इस पर जवाब क्यों नहीं देते कि अडानी की फर्जी कंपनियों में, शेल कंपनियों में, फर्जी कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। इस पर आप जानते हैं हमने 100 सवाल हम अडानी के है कौन श्रृंखला में हमने 100 सवाल पूछे हैं, उसका एक भी जवाब नहीं आया है। और अभी ये प्रचार किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से एक क्लीन चिट मिला है, ये बिल्कुल क्लीन चिट नहीं है, ये भी साबित हो गया है। और भी सवाल उठते हैं और खास तौर से ये फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं और ये 20,000 करोड़ रुपया किसका है। चौथा सवाल भी राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय उठाया था, हमने भी उठाए हैं, बार बार हम उठाते रहते हैं, ये आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है और खास तौर से चीन से जुड़ा हुआ है। जो 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दे दी, उसके वजह से हमें परेशानी भुगतनी पड़ी है और हमारा इस संबंध में सवाल है, ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चीन को लाल आंग दिखाने की बात करने वाले आप उसे, उनको 2020 में क्लीन चिट दे दी
जबकि वो आज भी हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। पांचवा सवाल, अभी आप देख रहे हैं मणिपुर में क्या हो रहा है, एक वो अभी नया मिसाल है, और भी राज्यों में ध्रुवीकरण फैलाया जा रहा है, हिंसा फैलाया जा रहा है। सामाजिक सद्भाव जो बिगड़ा है, सामाजिक सद्भावना जो बिगड़ा है, उस पर यह सवाल है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है और समाज में डर और माहौल बनाया जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ डर और धमकी, और दूसरी तरफ समाज में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग प्रांत में बंटवारे की राजनीति का उपयोग किया जा रहा है अपनी राजनीतिक मकसद के लिए। छठा सवाल है हमारा सामाजिक न्याय से संदर्भ में। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री जी कि महिलाओं, आप देख रहे हैं जंतर मंतर में, ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर आप चुप रहते हैं? जाति जनगणना, कास्ट सेंसस, वो जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को भी खत लिखा है, उसका भी जवाब नहीं आया। राहुल जी ने बार बार भारत जोड़ो यात्रा के समय इसकी मांग की। आप जानते हैं जब यूपीए की सरकार थी हमने जाति जनगणना की थी, पर बहुत से कारणवश, जो मैंने पहले आपको बताया है, वो प्रकाशित नहीं हो पाया। और हमारी मांग है और अनेक विपक्ष पार्टियों की मांग है कि जाति जनगणना होना जरूरी है, पर ये अभी तक इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाएं पर अगला सवाल है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना, प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई की जा रही है? क्यों जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की कई सरकारें गिराई गई हैं? पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को क्यों कमजोर किया जा रहा है? आठवां सवाल, जन कल्याण की योजनाएं, मिसाल के तौर से महात्मा गांधी नरेगा है। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसे जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया है? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों आप कुचला जा रहा है? और हमारा अंतिम सवाल, प्रधानमंत्री को हम याद दिलाना चाहते हैं, कोरोना मिसमैनेजमेंट आज हम भूल गए हैं, पर एक समय था कोरोना महामारी से सारा देश पीड़ित था। ऐसा क्यों है प्रधानमंत्री कि कोरोना के कारण, और खास तौर से कोरोना मिसमैनेजमेंट के कारण, कुप्रबंध के कारण 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई, 40 लाख लोगों की मौत के बाद भी उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया गया? क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों के घर को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया? तो साथियों, ये 9 सवाल हैं, 9 साल के 9 सवाल, भारत जोड़ो यात्रा के 9 सवाल, राहुल जी के 9 सवाल, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष के 9 सवाल, कांग्रेस पार्टी के 9 सवाल और देश की जनता का 9 सवाल। तो ये 9 सवाल, 9 साल हैं, 9 सवाल हैं, और प्रधानमंत्री को, खास तौर से प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़ने की अभी वक्त आ गया है और जरूरी है।